पता कर लीजिए, किसान यह जानते भी नहीं थे कि फर्टिलाइजर का, जैसे यूरिया का या डीएपी का, वास्तव में दाम क्या है, कीमत क्या है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना उस रिक्वायरमेंट का 87% 87% फर्टिलाइजर उपलब्ध है। और बड़ी विचित्र बात है कि हाहाकार मचा हुआ, मारपीट हो रही है, दंगे फसाद उसके लिए हो रहे हैं, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या बताए राज्य सरकार, क्या बताए माननीय कृषि मंत्री जिन्होंने आज इस प्रकार का बयान दे दिया है, ये बताए 7,70,000 मैट्रिक टन ये आवश्यकता है बताएगी। एक पॉइंट पर जो अवसर है, जिसको इस मंच को हम लोगों ने बनाया था, वो अवसर क्या कर रहा है, जिला के कृषि पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। हाल मिल रहा है, इस कारण तमाम स्थानों पर किसान उग्र आंदोलन कर रहे हैं और खाद की कमी के कारण किसानों की जो परेशानी है, करीब करीब सभी जिलों में नजर आ रही है। तो उन्होंने सीधे केंद्र पर ही दोष मढ़ दिया, जो एक आसान काम है उनके लिए, लेकिन हम लोगों ने क्या क्या किया उसके लिए ये बात बताना जरूरी हो गया, इसलिए हम सब आपके सामने हैं। हम बताना चाहेंगे कि हमारे पहले, आप पता कर लीजिए, किसान यह जानते भी नहीं थे कि फर्टिलाइजर का, जैसे यूरिया का या डीएपी का, वास्तव में दाम क्या है, कीमत क्या है। और कलेक्टर पंचायती करते थे, वो बैठक करते थे, डीलर को बुलाते थे, रिटेलर को बुलाते थे, और जिला के कृषि पदाधिकारी होते थे, और वहां पर तय होता था कितना में बेचिएगा, 300 में नहीं, नहीं 350 से नीचे नहीं होगा, नहीं कुछ और 10 रुपये सब कर दीजिए, तो कलेक्टर बीच बचाओ करके अपना, तो ठीक है इतना पर बेचिए, ये तय होता। हमने प्रभार लेते ही पूछा कि आखिर कीमत क्या है, ये क्यों होता है ऐसा, इसका नोटिफिकेशन मंगवाए, विभाग में नोटिफिकेशन भी उपलब्ध नहीं था तुरंत। वो भारत सरकार के साथ जो राज्य सरकार का जो ये भारत सरकार ने जो डीलर के साथ और कंपनियों के साथ जो प्रोडक्शन करते हैं, खाद का उत्पादन करते हैं, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जो दाम तय हुआ है, उसको उसका जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसकी जो अधिसूचना है, उसमें क्या कीमत है उसको मंगाया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसको जो कीमत तय है उस पर बैठेंगे, यानी 266 में यूरिया, 1200 कुछ में डीएपी, ये दिए होगा। और मैं यह भी बता दूं आपको कि 266 में जो यूरिया है, 266 में नहीं है, इसमें 1100 रुपया भारत सरकार की सब्सिडी है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, ये बताया भी कम जाता है। ये जो दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को, कंपनी को कहना चाहिए कि आप डिस्प्ले करिए, और ये एग्रीमेंट हमारे और ये एग्रीमेंट भारत सरकार और कंपनी के बीच में है, हम तो केवल लाइसेंस देते हैं, यानी राज्य सरकार सिर्फ लाइसेंस देती है। इसलिए हमने कहा कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी लागू करेंगे, सेक्रेटरी डायरेक्टर सबको बुला करके हम लोगों ने 0 टॉलरेंस पॉलिसी निर्धारित किया और उसे कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ लागू कर दिया राज्य में, कि जितनी कीमत तय है उस कीमत को डिस्प्ले करो, उतनी ही कीमत पर बेचना पड़ेगा। अब आदत तो लगी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने सख्ती के साथ इसको करवाने का जो प्रयत्न किया, उसमें सफलता मिली और किसानों को सही दाम पर फर्टिलाइजर मिलना शुरू हुआ। कोरोना काल में कुछ परेशानी हुई, इसलिए परेशानी हुई थी
कि लगभग 30-40% जो खाद है वो इंपोर्ट होता है, दूसरे देशों से आता है, और जहाज की आवाजाही कोरोना काल में बंद हो गई। इस कारण कमी का सामना उन दिनों करना पड़ा हम लोगों को भी, लेकिन हम लोगों ने काला धंधे पर, काला बाजारी पर रोक लगाते हुए सख्ती से जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू किया था उसमें लगभग सही तरीके से खाद को बिचवाते हुए और उसकी कमी को और उसके कारण कमी के कारण परेशानी ना पैदा हो इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ठीक ठाक से उस खरीद में भी करवा दिया। रबी के मौसम में भी कुछ परेशानी आई डीएपी को लेकर के, तो डीएपी में भी हम लोगों ने वही तरीका अख्तियार किया, तो लगभग किसानों को ज्यादा परेशानी हम लोगों ने पैदा होने नहीं दी। लेकिन उसके बाद अभी खरीफ में भारत सरकार के साथ दो दो बैठक हम लोगों ने सेक्रेटरी के साथ और वहां के सेक्रेटरी और माननीय फर्टिलाइजर मिनिस्टर के साथ बैठ के हम लोगों ने किया और बैठक करके तय किया कि किस प्रकार से उसकी आपूर्ति होगी कि किसानों को उसकी किल्लत महसूस नहीं होगी, और उसको हम लोगों ने सब कुछ निर्धारित किया, रैक पॉइंट निर्धारित किया, रैक अवसर तय किया जहाँ रेलवे से खाद आएगा जो उतरेगा एक अफसर को निर्धारित किया और उसको रिस्पांसिबल बनाया, और हम लोगों ने सभी जिला कृषि पदाधिकारी को रिस्पांसिबल बना दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कार्रवाइयाँ कुछ जरूर करनी पड़ी हम लोगों को भी, लेकिन किसानों को आसानी से और सही कीमत पर खाद मिलने लगी, आपूर्ति को भी आसान बनाने का हम लोगों ने प्रयत्न किया और हम लोगों को सफलता मिली। तो उसमें जो थोड़ी बहुत कमी हुई थी उसको भी हम लोग है कि आज यह कमी क्यों है, कमी जो दर्शाई जा रही है ये केंद्र ने ही कम खाद दिया है इस कारण कमी, कितनी खाद की कमी है हमारे पास डेटा है, उनके पास भी डेटा है। 87% ठीक है, उनका कहना है कि 87% खाद जो अब तक उपलब्ध होना चाहिए था तो 30 तारीख तक का डेटा है उतना उपलब्ध है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना उस रिक्वायरमेंट का 87% फर्टिलाइजर उपलब्ध है, प्रत्येक जिलों का डेटा हमारे पास है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे दे देंगे। और बड़ी विचित्र बात है कि हाहाकार मचा हुआ, मारपीट हो रही है, दंगे फसाद उसके लिए हो रहे हैं, ये स्थिति क्यों पैदा हुई यह बताए राज्य सरकार, यह बताए माननीय कृषि मंत्री जिन्होंने आज इस प्रकार का बयान दे दिया है, यह बताए कि राज्य में इस सुखाड़ की हालत में कितने प्रतिशत धान की रोपनी हुई है। धान की रोपनी 40% से अधिक नहीं हो पाई है तो आखिर खाद कहां जा रहा है, कितना खाद चाहिए 40% खेती के लिए जहां खेती हुई ही नहीं है, फिर भी खाद की इतनी पत्र के माध्यम से कुछ सारे और उसकी जो जानकारियां मिल रही हैं सारी वो अत्यंत भयावह है। तो बात उसके पीछे जो है वो है कि हम लोगों ने माफिया तत्वों का नकेल कसा था, जो काला धंधा काला बाजारी करने वाले लोग हैं उनको हिम्मत नहीं थी सिर उठाने की हम लोगों के समय में, आज वो सब सिर उठा लिए हैं, उन्हें लगता है कि यह हमारी ही सरकार है और धड़ल्ले से वह सब जारी है जिस पे हम लोगों ने रोक लगाने में सफलता प्राप्त कर लिया था। मैं आपको बताऊं हमारे पास डेटा तो नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन 7,70,000 मैट्रिक टन है, 7,70,000 मैट्रिक टन ये आवश्यकता है बताई गई है, पूरी खेती है तब ये एग्रीमेंट भारत सरकार का हमारा,
और आज के तारीख में यानी 30 तारीख तक 770,000 मेट्रिक टन के मुकाबले 671,525 मेट्रिक टन खाद उपलब्ध हुआ है। अब आप बताएं, आप पूछें कि इतना खाद का इस्तेमाल कहां हुआ है जबकि 40% से अधिक रोपनी नहीं हुई है। खाद कहां जा रहा है, खाद का क्या हो रहा है, हाई कोई देखने वाला रेक पॉइंट पर जो अफसर है जिसको रिस्पॉन्सिबल हम लोगों ने बनाया था वो अफसर क्या कर रहा है, जिला के कृषि पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, वो माफिया तत्व और काला धंधा करने वाले जो काला बाजारी करने वाले जो लोग हैं उन पर नकेल कसी गई थी, क्यों आज वो बिल्कुल खुले